खबर कोरिया जिले से है, जहां छत्तीसगढ़ प्लेसमेंट कर्मचारी संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्लेसमेंट कर्मचारी संघ अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद से ही आम नागरिकों को बड़ी परेशानियां हो रही थी। उन परेशानियों को देखते हुए आज नगर पालिका अध्यक्ष नमिता शिवहरे और भाजपा पार्षदों ने हड़ताली कर्मचारियों से हड़ताल स्थल पर जाकर मुलाकात की और उनके सभी मांगों को समर्थन देते हुए आगे निर्णय लेने के लिए नगरीय निकाय मंत्री और वित्त मंत्री तक आवेदन देने का प्रस्ताव पास किया, जिसके बाद से हड़ताल पर गए सभी कर्मचारियों ने तत्काल हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हम कल रायपुर में नगरीय निकाय मंत्री अरुण साहू जी से मिले और इनके मांग के समर्थन में हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया और इनकी 4 सूत्री मांग की हड़ताल 25 तारीख से चल रही है और आज हम लोगों ने PIC की तत्काल यहीं पर बैठक रख के और उनके मांगों को समर्थन में आगे निर्णय लेने के लिए और नगरीय निकाय मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा इनको पारित किया जाए ऐसा निवेदन कर रहे हैं जी। हमारे 4 सूत्रीय मांग को लेकर के हम लोग बैठे थे दिनांक 25/11 से। उसमें पहला मांग था हमारा ठेका प्रथा बंद करना और दूसरा मांग था जो श्रम सम्मान राशि 4,000 रुपए जो भूपेश सरकार के समय में घोषणा की गई थी उसको देने के लिए। तीसरा लगातार 15-20 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का था। तो इन 4 सूत्रियों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर 25/11 से बैठे थे। आज हमारे अध्यक्ष महोदय एवं सारे पार्षद गण आ करके यहाँ पे PIC और परिषद का संकल्प में प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजे जाने संबंधी हम लोग को विश्वास दिलाए यहाँ पे। तो आज दिनांक से अपन हड़ताल को समाप्ति कर रहे हैं और आगे सारे कर्मचारियों के हित में वो बोले कि हम लोग परिषद के बैठक में इस चीज को दे करके और शासन को प्रस्ताव पारित करेंगे।